ये तस्वीरें हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस में भारतीय राजदूत टीवी वेंकटेश वर्मा की मुलाकात की। ये सिर्फ मुलाकात नहीं, दो देशों के मजबूत रिश्तों की गवाही भी है। मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री भारत के डिफेंस पवेलियन में शिरकत की। यहाँ सर्गेई ने कहा कि वो अगले सप्ताह मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारत ने अपने डिफेंस पवेलियन को लगाया है। इसमें भारत ने अपने रक्षा उत्पादन के बारे में जानकारियां दी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए इस फोरम की शुरुआत 23 अगस्त को हुई थी। ये 29 अगस्त तक चलेगा। इस फोरम में भारत के साथ साथ करीब 70 देश शामिल हो रहे हैं। रूस ने इसमें 730 से ज्यादा हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में एक और बात ऐसी थी जो बेहद दिलचस्प रही। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दोनों ने ही मास्क नहीं पहना है, दोनों हाथ मिलाते भी नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में अब जब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को महामारी से लड़ने का सबसे बेहतर हथियार बताया जा रहा है, ऐसे में ऐसी लापरवाही वैश्विक मंच पर आलोचना का कारण भी बन सकती है।